नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे क्या आपके शरीर के लिए चर्बी जरूरी है या बस वो बेकार की एक चीज़ है जो आपके शरीर में पड़ी है। क्योंकि आजकल बाहर बहुत हवा हो गई है, हर चर्बी हटाओ चर्बी घटाओ चर्बी घटाओ, बॉडी फैट कम करो कम करो कम करो, सिर्फ मसल चाहिए मसल चाहिए मसल चाहिए। तो मैं अभी आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि हाँ, आपके शरीर के लिए चर्बी इतनी ज़रूरी है कि अगर चर्बी नहीं होगी तो आप मर जाओगे। मतलब आपके जिंदा रहने के लिए चर्बी ज़रूरी है। चर्बी क्या करती है आपके शरीर में? आपके जो शरीर में ऑर्गन है उनको एक तरीके से बचाव करती है, उनका उनके इर्द गिर्द रह करके चर्बी उनको प्रोटेक्ट करती है। जैसे एक तकिया होता है, मान लो आपके शरीर है, हड्डी है, हड्डी के ऊपर मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों के ऊपर चर्बी है, चर्बी के ऊपर चमड़ी है, एक तरीके से समझो ऐसे। मान लो चमड़ी में कुछ ऐसे धक्का लग गया तो वो धक्का चमड़ी के लग करके फिर चर्बी के लगेगा, फिर वो अंदर मांसपेशियों तक जाएगा, फिर हड्डी तक जाएगा। तो जो चर्बी है ना बीच में, वो उस धक्के को धक्के में, मान लो एक तकिए पे तुम धक्का लगाओ, किसी के मुंह पे यूं मारो और उसके मुंह पे यहाँ पे तकिया रख कर फिर यूं मारो, तो तकिया उसके मुंह पे जो धक्का लगेगा वो तकिए उसे यूं रोक देगा ना। तो वैसे ही तुम ऐसे यूं हाथ पे मारोगे तो वो चर्बी हाथ पे मारोगे, कहीं पे भी शरीर पे मारोगे तो एक तरीके से तकिए का काम करेगी। उसके शरीर पे कोई भी आघात लगता है तो वो एक तरीके से तकिए का काम करती है, उस आघात को हल्का करने में, मदरा करने में, धीमा करने में, उस आघात का जो जो चोट पहुंच सकती है उसको रास्ते में ही कम कर देने में। तो समझ गए कि चर्बी का एक के भी काम है। चर्बी हमारे शरीर को इंसुलेशन देती है, मतलब बाहर बहुत ठंड है ठीक है तो हमें बहुत ठंड लगने लग जाएगी, पर जो चर्बी है वो ठंड को हमारे शरीर को पार करके हमारे अंदर तक हमें ठंड लगाए, वो ठंड जो बाहर है वो हमें अंदर तक ठंड महसूस कराए, उसे चर्बी बीच में रोकती है। मतलब अगर आपके शरीर में चर्बी ज़्यादा है तो आपको ठंड कम लगेगी ऐसे। और फिर चर्बी आपके किसी खराब, मतलब मान लो अभी कुछ ऐसा हो गया कि आपके पास में खाना नहीं है तो शरीर की चर्बी से आदमी ऊर्जा निकालेगा ना। शरीर आपके खराब टाइम में जब आपके पास में खाना नहीं है, खाने की कमी है, उस वक्त पे आपको जिंदा रखने के लिए ऊर्जा आपने संजो के रखी है, स्टोर करके रखी है आपने ऊर्जा। आप उस समय के लिए जब आपके पास में खाने पीने की दिक्कत हो सकती है, आपके पास में, आप मान लो कभी ऐसा होता है लोग कहीं बाहर गए, कहीं घूम गया, कोई खाना पीना नहीं मिल रहा तो आपका शरीर ऊर्जा कहीं से निकालेगा ना, ऐसे कई दिनों तक हो जाता है लोगों के साथ में, शरीर कहीं से ऊर्जा निकाले। खराब वक्त आने पे ऊर्जा, खराब वक्त के लिए ऊर्जा बचा के रखते हैं और वो बचा के रखने का जरिया चर्बी है एक तरीके। फिर जो हमारे शरीर में जो एडिपोज टिश्यू है, चर्बी के जो सेल है, कोशिकाएं हैं, वो एक हार्मोन निकालते हैं लेप्टिन नाम का। ये हार्मोन निकलता है तो हमें महसूस होता है कि हम मतलब हमें महसूस होता है कि हमें भूख नहीं, अब पेट भर गया, हमें संतुष्टि आती है, इस तरीके से महसूस होता है हमें। तो अब आप कहोगे कि जिसके बहुत ज़्यादा चर्बी उसके भूख क्यों लगती है, वो एक अलग कहानी है, बहुत ज़्यादा होना भी नुकसानदायक है, वो एक अलग कहानी है। पर चर्बी का एक काम भी है, हमारे को ऐसा महसूस होता है कि भाई हाँ पेट भर गया, अब हम बहुत ज़्यादा भूख नहीं है, हम संतुष्ट सा महसूस करते हैं, इस तरीके का महसूस होता है। और मैंने आपको बताया कि चर्बी नहीं होगी अगर आपके शरीर में, आपके शरीर में कुछ कम से कम कुछ चर्बी होनी ज़रूरी है। कितनी होनी जरूरी थी आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, पर अगर वो चर्बी नहीं होगी तो हम जिंदा नहीं रहोगे, मतलब जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ होनी जरूरी है। लेकिन आजकल क्या है, लोगों के शरीर में इतनी ज्यादा चर्बी है कि इतनी चर्बी होनी जरूरी नहीं है, वो फिर मतलब जैसे जैसे आपके शरीर में चर्बी बढ़ती जा रही है, बहुत मोटा पेट लेकर के घूम रहे हो, बहुत भारी शरीर हो गया है, हिलने डुलने में दिक्कत हो रही है, काफी शरीर में जैसे जैसे चर्बी बढ़ती जा रही है वो फिर आपके शरीर में बीमारियां ला सकती है कई तरीके की। तो आजकल जो इतनी ज़्यादा चर्बी हो गई है ना लोगों के शरीर में, इतने मोटे लोग होने लग गए क्योंकि लोग बैठे रहते हैं बस मोबाइल कंप्यूटर इन्हीं पे, टीवी इन्हीं पे बैठे रहते हैं, ज़्यादा हिलते डुलते नहीं, आना जाना भी गाड़ियों में कर लेते हैं। उस चक्कर में क्या हो गया है, लोग फिजिकल वर्क नहीं करते, शारीरिक कोई काम वाम ज़्यादा नहीं करते ना, उस चक्कर में लोग इतने मोटे हो गए हैं कि अब उस चर्बी से बहुत बीमारियाँ हो सकती है लोगों को। इसी कारण इतनी हवा बन गई कि चर्बी कम करो चर्बी कम करो चर्बी कम करो ऐसे, ठीक है, ज़्यादा चर्बी से बीमारी हो सकती है। अब सवाल अगला ये उठता है कि कितनी चर्बी हमारे शरीर में होनी चाहिए, कितनी चर्बी बहुत कम है, कितनी चर्बी होनी चाहिए और कितनी चर्बी बहुत ज़्यादा है, ये आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो आप सभी वीडियो में।